सब्सक्राइब कीजिए परमार होममेड चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट सलाद। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक केला लिया था जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर हमने एक एप्पल भी लिया था जिसे भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पर हमने अनार लिया था एक, जिसके हमने बीज निकल लिया, आप देख सकते हैं अनार के दानों को। और साथ में यहाँ पर हमने दो तीन चीकू लिए थे जिसे भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पर हमने ये सारे फ्रूट का यूज़ किया है। और साथ में यहाँ पर हमने एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने दो से तीन चम्मच शुगर पाउडर लिया है, ये हमने चीनी को पीस लिया था मिक्सी में और जिसका पाउडर है हमारे पास। और साथ में यहाँ पर हमने दो ग्लास मिल्क भी लिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, सब बनाते हैं फ्रूट सलाद। और फ्रूट सलाद बनाने के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई को पहले से ही मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। और अब हम इसमें दो ग्लास हमने मिल्क लिया था वो डालेंगे। और फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम पे रखा है, लो से मीडियम पर रखा हुआ है। और यहाँ पर हमने दो ग्लास मिल्क लिया है और मिल्क को हल्का सा हम गर्म होने देंगे पहले। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिल्क है वो हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। और अब हम इसमें जो हमने एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया था वो डालेंगे इसमें। और साथ में यहाँ पर हमने दो से तीन चम्मच शुगर पाउडर भी लिया हुआ था वो भी डालेंगे इसमें। और अच्छे से मिला लेंगे स्पून से, जैसे कि इसमें लम्स ना बिल्कुल ही ना बने, गुठलियां ना बने, ऐसे ही हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी चीजों को अच्छे से मिला लिया है। और एक उबाल आने तक अच्छे से मिल्क को हम गर्म कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल्क में उबाल आना शुरू हो गया है। और अब हम गैस स्टोव को कर देंगे बंद और मिल्क को थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे। और इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें जो हमने फ्रूट्स लिए वो डालेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी आफ्टर सम टाइम। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा मिल्क है वो थोड़ा सा ठंडा हो गए हैं। और हमने इसे अलग से बाउल में भी निकल लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब हम इसमें जो हमने फ्रूट लिए वो सारे डालेंगे इसमें। और यहाँ पर हमने जो एप्पल को छोटे टुकड़ों में काट लिया था वो भी डालेंगे। और एक एक करते हुए सारे फ्रूट इसमें डाल देंगे हम। और थोड़े से अनार के दाने रखेंगे हमें गार्निशिंग करने के लिए। और इसे हम स्पून से अच्छे से मिला लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फ्रूट सलाद है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और इसे अब हम फ्रिज में सेट होने देंगे करीब एक से दो घंटे के लिए। और फ्रिज में सेट होने के बाद, ठंडा होने के बाद इसे हम सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी आफ्टर सम टाइम। और फाइनली ये दो घंटे हो चुके हैं और जो हमारा फ्रूट सलाद है वो अच्छे से सेट हो गया है। और इसे हमने अलग से बाउल में भी निकल लिया है और इसकी हमने गार्निशिंग भी कर ली है अच्छे से पिस्ता से। और यह अभी रेडी है सर्व करने के लिए और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारी रेसिपी, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इस रेसिपी की कंप्लीट प्रोसेस हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक कर इस रेसिपी की कंप्लीट प्रोसेस देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो फ्रेंड्स, एंड लेट्स एंजॉय इट।